मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के अनुसार शराबबंदी कानून को लेकर सर्वेक्षण शुरू होने वाला है। इसको लेकर डेटाबेस बनाया जा रहा है और जल्दी एजेंसी को दिया जाएगा और सर्वे कराया जाएगा, किन किन मापदंडों पर सवाल पूछा जाएगा, इसको लेकर मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा, क्या करें, जनता का जो सुझाव होगा सरकार उसी पर भी गौर करेगी। बनारस के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनारस के दौरे पर रहेंगे और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां कोई भी आदमी कहीं जा सकता है और चुनाव प्रचार करेंगे, हमारी पार्टी वह चुनाव प्रचार करेंगी। उनसे जब पूछा गया कि नीतीश कुमार बनारस से चुनाव लड़ेंगे, क्या उन्होंने कहा, सुनिए। रोल करें सर, बिहार में शराबबंदी का सर्वेक्षण होने जा रहा है और जीतन मांझी कह रहे हैं बिहार में शराबबंदी चालू हो जाए। देखिए, इसमें जहाँ तक पूर्ण शराबबंदी का प्रश्न है और पूर्ण नशाबंदी का प्रश्न है, तो दोनों सदनों ने इसे सर्वसम्मति से पास किया था और हम लोग इसे प्रभावकारी ढंग से एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग लागू कर रहे हैं और इसके बहुत तेरे फायदे भी हुए हैं, खास करके महिलाओं के वर्ग को बहुत फायदे हुए हैं और समाज में इसका फायदा हुआ। समाज सुधार अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी गए थे और भी लोग थे और हर जगह यही हम लोगों को जो फीडबैक मिला कि इसे जारी रखना चाहिए। और जो पहले के सर्वेक्षण है उसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने इसका समर्थन किया है और ख़ास करके महिलाओं ने तो 95% से ज़्यादा समर्थन किया है। उन्हीं की मांगों पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर इस एक्ट को पास कराया गया दोनों सदनों में। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो शराबबंदी हुई है उसके बारीकियों तक जाएं, घर घर तक जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश हुआ है कि इसका हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड सर्वे करवाएं, घर घर से पूछा जाए कि कौन लोग पक्ष में है, कौन नहीं है और क्या सुधार चाहते हैं। इसके विभिन्न पैमाने होंगे और थोड़ा वक्त लगेगा, तो और बेहतर तस्वीर शराबबंदी से क्या फ़ायदे हुए, क्या लोग और क्या चाहते हैं, महिलाएं और क्या चाहती हैं, इसका पता चलेगा। तो तदनुसार हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने संशोधन भी किया है। जहाँ तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का प्रश्न है कि उन्होंने कहा है कि शराबबंदी अब नहीं होनी चाहिए, तब उन्होंने तो इसके पक्ष में वोट डाला है और जब तक लिए वो हमारे, जब हम लोग NDA के साथ थे तब तक लिए तो बिल्कुल समर्थक रहे हैं। बीच बीच में कुछ बातें कहते थे लेकिन सदन में उन्होंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं उठाई है और अब जबकि वो हम लोगों के साथ नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो भी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं तो वो अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, उनके गोद में चले गए हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया भी उसी तरह से होती है। तो खास करके गरीब गुरबा को तो सबसे ज़्यादा फायदे हुए हैं इससे और जो सतत जीविकोपार्जन योजना बनाई गई उसमें पहले जो निर्धन परिवार थे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के थे या शहरी क्षेत्र के, 1,00,000 रुपया सहायता की राशि थी, उसको बढ़ा करके अब 2,00,000 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने समय समय पर संशोधन भी किए हैं। तो जबकि हम लोग सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार, तो माननीय जीतन राम मांझी का इस तरह का बयान देने का कोई तुक नहीं है और वो एक सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। सबको पता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो वो एक अपना स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के
जो उन्हें निर्देश देती है कि आप ऐसा कहें वैसा कहें, तो वही कर रहे हैं वो। लेकिन मणिपुर में सामाजिक व्यवस्था है और वहाँ की सरकार ने अपने सोच विचार से अपने राज्य में किया, हम लोगों ने तो अपने राज्य में यहाँ की सोच के अनुसार से किया, यहाँ के दोनों सदनों ने पास किया, यहाँ पर मानव श्रृंखला बनी, उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल थे और यहाँ पर व्यापक जन समर्थन है, तो इसके जो व्यापक सामाजिक फायदे हुए हैं, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, हम लोग भी कहते रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को फायदे हुए हैं, उनके हाथों में अब थोड़े ज़्यादा पैसे आने लगे हैं, खाने पीने की वस्तुएं खरीद रही हैं, शिक्षा पर ध्यान दे रही हैं और छेड़खानी के मामले निश्चित रूप से कम हुए हैं, और जो होली का त्यौहार, दशहरा के त्यौहार या शादियों में आप देखते होंगे कि आम तौर पर शराब पी करके कोई हंगामा नहीं करता, गिरफ्तारियां हुई हैं, ट्रायल हुए हैं, और दूसरे राज्यों से भी आपको बता दें कि 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई शराब माफियाओं के, और हम लोग बार बार ये कहे हैं और कह रहे हैं कि जो ज़्यादा हम लोगों का जोर जो शराब के मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं या होम डिलीवरी करते हैं, करवाते हैं, उन पर हम लोगों की ज़्यादा पैनी नज़र है, ना कि पी करके कोई घूम रहा है, तो उसके बारे में भी तो हम लोगों ने संशोधन किए हैं और बेलेबल सेक्शन किया है कि अगर पी करके पहली बार कोई पकड़ा जाता है तो उसको बेल दे जाते हैं, और हम लोगों ने जो मानवता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और जो अनफॉर्चुनेटली जो जिन लोगों की मृत्यु हुई जहरीली शराब पीने से, उनके परिवार वालों को भी हम लोगों ने 4-4 लाख रुपए दिए हैं, और एक इस तरह से करीब करीब 150 से अधिक परिवारों को हम लोगों ने 4-4 लाख रुपए दे चुके हैं, और कुछ शेष बाकी है, उसको हम लोग शीघ्र पूरा करें।